बोझ कंधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। हम वो कलम और कैमरे के मजदूर हैं जो कई के बेलचे के मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं, और हम वो लोग हैं कि हम जब हमारे साथ जुल्म होता है तो शायद हमारे लिए अपनी भी आवाज नहीं उठाते। तो मजदूरों की हालत इस वक्त जिस तबके के भी मजदूर हैं बराबर ही चल रही है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो फराइज मनसबी है वो हमें इस चीज की क्या कहते हैं इजाजत देता है कि हम इन मजदूरों के लिए आवाज उठाएं जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यौमी मजदूर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अफसर शाही जो है इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए और मजदूरों के लिए कुछ ऐसा रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि कम से कम जो दिन उनके नाम पर मनाया जाता उस दिन पर तो उनको रिलैक्सेशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उनकी जो डेली वेजेस लोग हैं उनकी डेली की जो पेमेंट्स हैं उनको बढ़ना चाहिए और महंगाई को कम होना चाहिए, क्योंकि 600-700 रुपए की दिहाड़ीदार जो मजदूर है उसका उतने में गुजारा नहीं है और उसकी जो मंथली इनकम है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। कोई भी मजदूर हमेशा वो दूसरों के लिए बात करता है, अपने लिए बात इसलिए नहीं करता कि फिर बेरोजगार हो जाएगा। जब इंसान ने 3 साल की या 4 साल की बेरोजगारी काटी हो और जिसको 2-2 महीने की तनख्वाहें ना मिल रही हो और वो इस आसरे पे बैठा हो कि उसे तनख्वाह मिल जाएगी और उसका निजाम चल रहेगा, सफेद पोश आदमी खामोशी के अलावा क्या कर सकते। इस वक्त मजदूर जो है वो अपनी रोजी की तलाश में होंगे, किसी को अपने बच्चों का पेट पालना है, किसी को घर का किराया देना है, किसी की कोई और जरूरियात है। तो इस वक्त मजदूर तो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन मजदूर का कमाया हुआ जो सरमाया है उस पर जो अमीर लोग हैं वो बड़े बड़े एसी वाले कमरों में बैठ के, ठंडे और गर्म कमरों में बैठ कर काट रहे हैं केक, लेकिन मजदूर के लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मजदूर के लिए आवाज उठाइए, मजदूर का सहारा बनिए, क्योंकि मजदूर ही सारा साल आपको पालता है। इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन हम फिर भी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारी जान हथेली पे होती है, ना हमारे पास कोई इंश्योरेंस होती है, ना कोई ग्रेजुटी होती है कि कल खुदा न खासा हमारा साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो पीछे हमारे जो बच्चे हैं, वालदैन हैं, जो भी हैं उनके साथ मतलब कोई ऐसा उनका जरिया निज़ाम बन जाए कि वो पीछे उनके लिए कोई उनका चलता रहे सिस्टम। कलम का मजदूर हो, कैमरे का मजदूर हो, या आम दाड़ीदार मजदूर हो, इस वक्त जो मुल्की माशी सूरत हाल है उसकी वजह से हर तबका तंग है, हर किसी के हालात तंग हुए हुए हैं। लोगों को लगता है कि मीडिया में जो लोग हैं वो उनकी आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो मीडिया चैनल्स में काम करने वाले लोग हैं, रिपोर्टर हो गए, कैमरामैन हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, या दीगर जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके हालात भी उसी तरह के तंग हुए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े इदारों में कम सैलरीज पर लोग काम करते हैं, सैलरीज ना होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि सैलरीज लेट होती है जिसकी वजह से लोगों के जो घर के अखराजात है वो बढ़ जाते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।